हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू यल इंग्लिश लर्न इट योर सेल्फ सो इन दिस वीडियो विल बी लर्निंग सेवन वाई वी ट्रेवल बाय सिद्धार्थ पी को राघवन अयर फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश इस चैप्टर को हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर है सो ये फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट वीडियो है वाई वी ट्रैवल का और इस लास्ट चैप्टर के साथ फाइनली हम ट्वेल्थ इंग्लिश पोर्शन को भी कम्प्लीट कर लेंगे मैंने ट्वेल्थ इंग्लिश के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं जो आपको इस चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे उन प्लेलिस्ट के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर लेट स्टार्ट लर्निंग एज यूजल विल फर्स्ट लर्न अबाउट आर ऑथर सिद्धार्थ पीको राघवन अय्यर ऑक्सफर्ड इंग्लैंड में पीको अय्यर के नाम से जाने जाते हैं वो एक ब्रिटिश मूल के अमेरिकन एसेस्ट और नॉवलिस्ट हैं और अपनी ट्रैवल राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं उन्हें 2005 में क्रिएटिव आर्ट्स के लिए प्रसिद्ध गुगिन फेलोशिप से सम्मानित किया गया था और उन्होंने चैपमेन यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनररी डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स का सम्मान भी जीता था उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है जैसे वीडियो नाइट इन काठमांडू 1988, द लेडी एंड द मंक 1991, द ग्लोबल सोल 2000 एंड द मैन विद इन माई हेड टू थाउजेंड एंड लिए एसे के तौर पर काम कर रहे हैं उनके कामों को निर्माणित रूप से द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित किया जाता है आइए अब शॉर्ट में पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में अपने क्लासिक ऐसे वाई वी ट्रैवल में पीको अय्यर ट्रैवल करने के अपने जुनून के कारणों को एक्सप्लोर करते हैं और अपने रीडर्स के साथ उन्हें शेयर करते हैं इस ऐसे में वो फेमस राइटर्स को कोट करते हैं और ट्रैवल करने की अपनी खुद की वृत्ति की जांच करते हुए अपनी टिप्पणियों को सामने रखते हैं बेहद इंटरेस्टिंग ये एक्सट्रैक्ट उन रीडर्स के लिए उतना ही इंस्पायरिंग है जो अपने जीवन में हमेशा रोमांच की तलाश में रहते हैं तो चलिए फिर इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वी ट्रैवल इनिशियली टू लूज आर सेल्व एंड वी ट्रैवल नेक्स्ट टू फाइंड टू ओपन आर हार्ट एंड आईज एंड लर्न मोर अबाउट न्यूज पेपर विल अकोमोडेट we travel to bring what little we can in our ignorance and knowledge to those parts of the globe whose riches are differently dispersed and we travel in essence to become young fools again to slow time down and get taken in and fall in love once more the beauty of this whole process was best described perhaps before people even took to frequent flying by george santayana in his lapidary essay the philosophy of travel we

हम अपने दिल और आंखें खोलने के लिए ट्रैवल करते हैं और दुनिया के बारे में जितना हमारे न्यूज़पेपर समा सकते हैं उससे ज़्यादा जानने के लिए ट्रैवल करते हैं हम अपनी नॉलेज और इग्नोरेंस में जो कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया के उन हिस्सों में लाने के लिए ट्रैवल करते हैं जिनकी संपत्ति अलग अलग तरह से बिखरी हुई है और हम ट्रैवल करते हैं संक्षेप में फिर से बच्चा बनने के लिए वक्त को धीमा करने के लिए उसमें शामिल होने के लिए और एक बार फिर प्यार में पढ़ने के लिए इस पूरे प्रोसेस की खूबसूरती डिस्क्राइब की थी शायद इससे पहले के लोग लगातार ट्रैवल करते जॉर्ज संताइना ने अपने लैपिड्री एसे द फिलॉसफी ऑफ ट्रैवल में हार्वर्ड के ये फिलॉसफर लिखते हैं कि हमें ज़रूरत है कहीं दूर एकांत में जाने की किसी लक्ष्यहीनता में कुछ खतरे में पड़ने की जीवन के किनारे को तेज करने के लिए कठिनाइयों का मज़ा लेने के लिए और काम करने के लिए मजबूर होने के लिए एक Few of us forget the connection between travel and travail. Travel, in that sense, guides us towards a better balance of wisdom and compassion, of seeing the world clearly and yet feeling it truly. For seeing without feeling can obviously be uncaring, while feeling without seeing can be blind yet for me the first great joy of travelling is simply the luxury of leaving all my beliefs and certainties at home and seeing everything i thought i knew in a different light and from a crooked angle. though it is fashionable nowadays to draw a distinction between the tourist and the traveller perhaps the real distinction lies between those who leave their assumptions at home and those who don't. hamesekuch hamesha travel or travel kabitchka connection kubuljate. इस अर्थ में ट्रैवल हमें विजडम यानी समझदारी और कंपैशन यानी करुणा के बेहतर संतुलन की ओर ले जाती है दुनिया को और भी क्लियरली देखने और फिर भी इसे सच में महसूस करने के लिए क्योंकि महसूस किए बिना देखना बहुत लापरवाह हो सकता है जबकि बिना देखे सिर्फ महसूस करना ब्लाइंड हो सकता है फिर भी मेरे लिए ट्रैवलिंग का पहला सबसे बड़ा आनंद है अपने सारे विश्वास और सर्टनटीज़ को घर छोड़ने की लग्जरी और जो कुछ मैंने सोचा था कि मैं जानता हूं उसे अलग रोशनी में अलग एंगल से देख पाना हालांकि आजकल टूरिस्ट और ट्रैवलर के बीच अंतर करना फैशनेबल है लेकिन शायद असली अंतर उन लोगों के बीच का है जो अपनी धारणाओं को घर पर छोड़ देते हैं और जो नहीं छोड़ते अमंग डोंट अ टूरिस्ट इज जस्ट सम्स नथिंग इज द वे इट इज एट होम ट्रैवलर इज वन हु ग्राम्बल्स Everything here is the same as it is in Cairo or Cusco or Kathmandu. It's all very much the same. But for the rest of us, the sovereign freedom of traveling comes from the fact that it whirls you around and turns you upside down and stands everything you took for granted on its head. If a diploma can be a passport to a journey through hard realism, a passport can be a diploma for a crash course in cultural relativism. एंड द फर्स्ट लेसन वी लर्न ऑन द रोड वेदर वी लाइक इट और नॉट इज हाउ प्रोविशनल एंड प्रोविंशल आर द थिंग्स वी इमेजिन टू बी यूनिवर्सल और जो अपनी धारणाओं को घर नहीं छोड़ते उनमें से एक टूरिस्ट वो है जो शिकायत करता है कि यहाँ कुछ भी घर जैसा नहीं है जबकि एक ट्रैवलर वो है जो ये बड़बड़ाता है कि यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा कि कायरो या कुको या काठमांडू में था ये सब कुछ बहुत एक जैसा ही है लेकिन हम में से बाकी लोगों के लिए ट्रैवलिंग करने का एब्सोल्यूट फ्रीडम इस तथ्य से आता है कि ये आपको चारों ओर घुमा देती है और आपको उलट देती है और हर वो चीज़ जिसकी आपने कभी कदर नहीं की आपके सर पर लाकर रख देती है अगर एक डिप्लोमा फेमसली एक कठिन सच्चाई के सफर के लिए पासपोर्ट हो सकता है तो एक पासपोर्ट कल्चरल रिलेटिविज्म के क्रैश कोर्स का डिप्लोमा भी हो सकता है और जो पहला सबक सड़क पर हम सीखते हैं चाहे हम पसंद करें या ना करें वो ये कि जिन चीजों को हम यूनिवर्सल मानते हैं वो कितनी प्रोविजनल और प्रोविंशियल है वी ट्रैवल देन इन पार्ट जस्ट टू शेक अप आर कॉम्पलेसेंसीज बाय सीइंग ऑल द मॉरल एंड पॉलिटिकल अर्जेंसीज द लाइफ एंड डेथ दैट वी सेल्डम हैव टू फेस एट होम एंड वी ट्रैवल टू फिल इन द गैप्स लेफ्ट बाय लेफ्टोज हेडलाइंस वेन यू ड्राइव डाउन द स्ट्रीट ऑफ पॉट ऑफ प्रिंस फॉर एग्जाम्पल Where there is almost no paving your notions of the internet and a one world order grow usefully revised, travel is the best way we have of rescuing the humanity of places and saving them from abstraction and ideology. And in the process, we also get saved from abstraction ourselves and come to see how much we can bring to the places we visit and how much we can become a kind of carrier pigeon.

और हम कल की हेडलाइन के द्वारा छोड़े गए गैप को भरने के लिए ट्रैवल करते हैं उदाहरण के लिए जब आप पोर्ट ऑफ प्रिंस की सड़कों पर उतरते हैं जहां इंटरनेट और वन वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपकी धारणाओं को लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता जगहों की इंसानियत को छुटकारा दिलाने और उसे एब्स्ट्रैक्शन और आइडियोलॉजी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका ट्रैवल है और इस प्रोसेस में हम खुद को भी एब्स्ट्रैक्शन से बचा लेते हैं और ये देख पाते हैं कि उन जगहों में हम कितना ला सकते हैं जहाँ हम जाते हैं और हम कितना वहाँ कबूतर बन सकते हैं एक एंटी फेडरल एक्सप्रेस की तरह जो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करे हर वो चीज़ जिसको संस्कृति की ज़रूरत है मैंने देखा है कि मैं अक्सर माइकल जॉर्डन के पोस्टर्स की ऑटो ले जाता हूँ और अब बुने हुए इकेबाना बास्केट वापस कैलिफोर्निया लाता हूँ But more significantly, we carry values and beliefs and news to the places we go. And in many parts of the world, we become walking video screens and living newspapers, the only channels that can take people out of the censored limits of their homelands. In closed or impo impoverished places like Pagan or Lhasa or Havana, we are the eyes and ears of the people we meet. Their only contact with the world outside, and very often the closest, quite literally, they will ever come to Michael Jackson or Bill Clinton. Not the least of the challenges of travel, therefore, is learning how to import and export dreams with tenderness. But now all of us have heard too often the old Prose line about how the real voyage of discovery consists not in seeing new places, but in seeing with new eyes. लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जहाँ जाते हैं अपने साथ वैल्यूज़ बिलीव और न्यूज़ कैरी करते हैं और दुनिया के कई हिस्सों में हम वॉकिंग स्क्रीन और न्यूज़पेपर लाइव लिविंग न्यूज़पेपर बन जाते हैं वो एक मात्र चैनल जो लोगों को उनके होम की सेंसर की गई सीमा से बाहर ले जा सकते हैं जैसे कि पागन लहासा और हवाना जैसे दूर दराज और गरीब जगहों में हम उन लोगों के लिए आंखें और कान हैं जिनसे हम मिलते हैं उनका बाहरी दुनिया के साथ एकमात्र संपर्क है और अक्सर सबसे क्लोजेस्ट जो वो कभी भी माइकल जैक्सन या बिल क्लिंटन के आ सकते हैं इसलिए ट्रैवल का बड़ा चैलेंज और बड़े चैलेंज में से एक चैलेंज है सपनों को कोमलता के साथ संभाल कर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीखना अब तक हम सभी ने प्राउस्ट की पुरानी लाइन काफी बार सुन ली होगी कैसे खोज का असली सफर कई जगहों को देखने में नहीं बल्कि नई नजर से देखने में है वन ऑफ द सटलर ब्यूटीज ऑफ ट्रैवल इज दैट इट एनेबल्स यू टू ब्रिंग न्यू आईज टू पीपल यू एनकाउंटर दस इवन एस हॉलीडेज हेल्प यू अप्रिशिएट यूर ओन होम मोर नॉटलीस्ट वाई सींग इट थ्रू अ डिस्टेंट एडमायर आईज देटिव डिस्टेंट आईज टू द्लेस यू विजिट

इस तरह हॉलीडेज आपको अपने घर को और ज्यादा अप्रिशिएट करने में मदद करते हैं कम से कम इस दूर के प्रशंसक की आंखों के माध्यम से देखकर वे लोग आपके द्वारा देखी जाने वाली जगहों पर नई सराहना भरी नजर देते हैं आप उन लोगों को सिखा सकते हैं कि उन्हें क्या सेलिब्रेट करना चाहिए वैसे ही जैसे आप सेलिब्रेट करते हैं जो चीज़ें वो आपको सिखाते हैं इस तरह मुझे लगता है कि टूरिज्म जो इतना स्पष्ट रूप से कल्चर्स को यानी संस्कृतियों को नष्ट करता है उन्हें पुनर्जीवित भी कर सकता है ऐसे ही जैसे उसने बाली में नए ट्रेडिशनल डांसेस क्रिएट किए और इंडिया में क्राफ्टमैंस को नए तरीके से अपने काम पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया तो लर्नर्स यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं इस वीडियो के लिए और इसके आगे का चैप्टर हम आगे के दो वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे आई होप दैट यू आर इंजॉइंग लर्निंग विद मी एंड यू अंडरस्टुड एवरी थिंग दैट वी लर्न एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो थम्सअप शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू वेरी मच